अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, जो आज का मेरा व्लॉग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शूज़ लेने बच्चों के। और एक्चुअली मेरी ना जो भतीजी है ना, उसकी हो गई है स्कूल ओपन, और उसका जो पहले वाला शूज़ था वो है तो बिल्कुल नया, लेकिन वो इसको छोटा हो गया था, ये तंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलें आज चलते हैं शूज़ लेने। यहाँ पर जो सर्विस पे जो स्कूल कोई भी आइटम पर, मतलब जो स्कूल के आइटम थे ना, उन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं था। खैर, हम लोगों ने यहाँ से लिया था इसका शूज़, और ये बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि बच्चों को वैसे भी नई नई चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे वो एक दिन भी पहनी हुई हो ना, इनके लिए ये पुरानी हो जाती हैं। यहाँ से हमने लिए है शूज़, और मुझे तो बस ये इसका जो डिज़ाइन था ये इतना पसंद नहीं है। खैर, उसको पसंद है तो हमने कहा चलो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ले लो जो भी लेना है। फिर हम यहाँ से गए हैं ग्रॉसरी लेने। हम आ गए हैं यहाँ पे ग्रॉसरी लेने। और लेकिन जब आपको एक बात बताऊँ मुझे, कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो जो मेरी भतीजी ने इसने अपने बहुत सारा सामान लिया, आधे से ज़्यादा सामान इसका था और इसका बिल बना है। और मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ना, कभी बच्चों को ऐसी जगहों पे नहीं लेकर जाना चाहिए। इसने अपने कैंडीज़ क्या, बिस्किट क्या, पता नहीं क्या क्या, चॉकलेट्स का डब्बे, बहुत ये अपने ही चीज़ें, अपना ही सामान ढूंढती रही, अपनी ही चीज़ें वो करती रही है। खैर, जितनी देर मैं रही हूँ ये अपनी चीज़ें ताड़ती रही है। जब बच्चों को साथ लेकर जाएं तो बंदा पर्स जो है ना वो फुल भरा हुआ हो पैसों से, खाली ना जाए, वरना बच्चे बहुत जलील करते हैं। और मेरी भतीजी ने आधे से ज़्यादा सामान अपना लिया था। और खैर, जहरी सी बात है, उसको मैं जो लेकर गई थी, फिर उसकी कोई ना कोई तो फरमाइश पूरी करनी थी ना मैंने। यहाँ से सुपर स्टोर से हम फारिग हुए तो मैंने सोचा चले जाके ना, यहाँ पे हमारे जो गौरी वाले हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त, इनका जो खाना होता है ना, इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहाँ से मैं और मेरी भतीजी, इनका जो खाना होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। हम आ गए हैं यहाँ गौरी पे, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं खाना। और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई जितने जल्दी हो सके ना मुझे खाना पैक करके दे, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। फटाफट से उन्होंने मुझे खाना पैक कर दिया और मैं यहाँ से खाना लिया, और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ बच्चों के हवाले से, बच्चे साथ जब साथ हों तो अमाउंट आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, वरना बहुत शर्मिंदगी होती है। आज मेरी भतीजी ने भी मेरे साथ बहुत हशर की है। खैर, मेरे पास शुक्र है अमाउंट थी तो मैंने इसको ले दी है सारा कुछ, वरना अगर ना होते तो फिर क्या करती मैं, उसने तो सारा कुछ ले लिया था। खैर, बच्चों को जब भी लेकर जाएँ तो अमाउंट आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। आज की ये मेरी वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर, दुआ में बहुत याद रखिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।